इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में CAA लागू हो गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त मोदी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधा दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि देश भर में CAA लागू किया गया है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर मोदी सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन करना होगा। बता दें कि इसमें 3 मुस्लिम देशों को शामिल किया गया है, जहाँ के बहुल शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त 3 मुस्लिम देशों को इसमें शामिल किया गया है और ये केंद्र सरकार का एक बड़ा दाव माना जा रहा है। देश भर में CAA लागू हुआ है, इसको लेकर कई बार मोदी सरकार की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे और आज इसको लेकर मोदी सरकार ने एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तमाम तरीके के ट्वीट भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि अब CAA देश भर में लागू होगा, इसको लेकर मोदी सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब देश भर में CAA लागू हुआ है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है, मोदी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि एक्स के माध्यम से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि अब देश में CAA लागू कर दिया गया है और 3 मुस्लिम देशों के बहुल शरणार्थियों को अब नागरिकता मिलेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अब 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है और 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को इसमें आवेदन करना होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त मोदी सरकार ने ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आपको बता दें कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 21 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा और उसके बाद आज केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है और ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि इसके लिए अब केंद्र सरकार की ओर से एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को अब नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप, इस वक्त की अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले ये केंद्र सरकार का बड़ा दाव देखने को मिल रहा है, जहां केंद्र सरकार ने ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है।